अब आप लोगों के समक्ष यहाँ की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी श्री महाराज जी के अभिनंदन में कुछ कहेंगी। परम आदरणीय जगत गुरु संत श्री कृपालु जी महाराज, मैं जयपुर की और राजस्थान की जनता की ओर से आपका बहुत बहुत आज सबके बीच में अभिनंदन करना चाहती हूँ। महाराज जी, ये मेरा सौभाग्य है कि आज के आपके राजस्थान के इस पहले कार्यक्रम में आपके दर्शन करने का इतना बड़ा सौभाग्य मुझे मिला है और मुझे कहा कि आपके इस आगमन में कुछ अभिनंदन स्वरूप मेरे से कहा। मैं तो समझती हूँ कि इतने छोटे से आप लोगों के सामने तो अब राजनीतिक रूप में तो सब लोग बहुत कुछ कहते हैं, परंतु आप लोगों का पदार्पण जब होता है हमारे जैसे स्टेट के अंदर, तो मैं समझती हूँ कि कितने सारे लोगों का कल्याण होता है आज सबकी ओर से। मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ महाराज जी, और ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगी क्योंकि आपके सामने जो कुछ भी कहूँगी वो तो सूरज को दीपक दिखाने वाली बात। और मैं तो कहती हूँ कि यहाँ के सब लोग जो बैठे हुए हैं वो तो यही सोचते होंगे कि राजनीतिक लोग को जब ये पकड़ा दिया जाता है तो वो छूटता बहुत मुश्किल से है, इसलिए आज कुछ न कहते हुए सिर्फ आपके दर्शन के लाभ लेते हुए महाराज जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत हमारे इस गुलाबी नगरी और राजस्थान के अंदर हम जैसे छोटे से लोगों की ओर से आप सबको बहुत बहुत।